हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत ही गजब की पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने यहां पे आ चुकी है। सो दोस्तों, हम लोग जरूर कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट से रिलेटेड एक बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ऑलरेडी अगर हम लोग देखेंगे, हमारा मार्केट बहुत ही शानदार यहाँ पे भाग रहा है। बट ये न्यूज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस और भी शायद से यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। सो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, एंड उसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स के भी नाम यहाँ पे सामने आ चुके हैं जो कि उस न्यूज़ के ही चलते हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चलेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे एक जबरदस्त पावरफुल वीडियो यहाँ पे आने वाला है जिसका टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप लोगों ने मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट एक और एक इंपॉर्टेंट बात है कि आज के दिन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, IRCTC का एंड मुरट ट्रेडिंग का। सो दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री मतलब हमारा निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो बहुत ही मतलब शानदार लेवल पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ सेंसेक्स की भी बात करें, 43,000 से भी ऊपर हम लोग को उसी के लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हमारा जो मार्केट है हम लोग कह सकते हैं रिकॉर्ड हाई लेवल पे चल रहा है, राइट? सो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो मैंने तो अपना आंसर दिया था, मुझे पता नहीं है। ये किसी को भी पता नहीं होता है, ये सारी बेतुकी बातें होती है, राइट? आप लोगों को भी यहाँ पे पता चल गया होगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे नीचे जाता है तब आप लोगों को भी बोला था कि नीचे जाएगा, बट एक्चुअल में वो टर्न कर गया, राइट? वैसे ही मार्केट हायर लेवल पे आता है तो कभी ना कभी तो वो गिरेगा ही। सो इस चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना होता है, हम लोगों को हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे रहना होता है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म है, हम कह सकते हैं ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस, गोल्डमैन सैच, यस दोस्तों, गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिपोर्ट यहाँ पे पेश किया है इंडिया के ऊपर, एंड उन्होंने इंडिया को ओवरवेट कर दिया है। एंड उन्होंने इंडिया का जो टारगेट है निफ्टी 50 का वो कह दिया है, आने वाले समय में आप लोगों को निफ्टी लगभग 14,000 क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, आप लोगों को लगेगा ये सिर्फ बोलने की बात है, तो दोस्तों ऐसा नहीं। गोल्डमैन सैच मतलब कुछ ऐसे ग्लोबल फर्म्स है, ग्लोबल हाउसेस है जिनका इम्पैक्ट वाकई में हम लोग को देखने को मिलता है। अभी सच होगा नहीं होगा इसके ऊपर विश्वास रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर है, बट अगर हम लोग बात करें तो एक ज़बरदस्त यहाँ पे, और सिर्फ गोल्डमैन सैच ने भी नहीं कहा है, और भी कुछ रेटिंग एजेंसियाँ हैं उन्होंने भी अपने अपने यहाँ पे टारगेट दिए, एंड सारे के टारगेट हम लोग को हायर लेवल पे फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये 14,000 का टारगेट कब बोल रहे हैं, कल मुरट ट्रेडिंग पे, ऐसा नहीं दोस्तों, एक दो दिन की बात नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। बट यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म भी अगर हम लोग देखा जाए तो शॉर्ट टर्म ये दे एक्सपेक्ट बाय 2021 एंड। सो हम कह सकते हैं दिसंबर 21 के एंड तक हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्टिल मार्केट इतने हायर लेवल पे होने के बावजूद हमारे जो जर्नी है वो हम लोगों को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल सकता है। इसका अर्थ गोल्डमैन सैच ने ये नहीं बोला है कि आज आपका निफ्टी 12,500 है अप्रॉक्सीमेटली कि 14,000 के ऊपर ये सीधा जाएगा, कभी तो ऐसा भी होगा ये नीचे जा भी सकता है, बट ओवरऑल जो उसका एंड रहेगा वो 14,000 के करीब हो सकता है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि एक छोटा सा कॉन्फिडेंस हम लोग को गेन होते हुए देखने को भी मिल सकता है। एंड इसी के चलते दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डमैन सैच ने कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स में पॉइंट्स नोट करके बताए, जैसे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ऐसे ही बोल दिया, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे बढ़ चुका है, इकोनॉमी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है, मोमेंटम वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, इसके बीच में सेकेंड वेव डेफिनेटली यहाँ पे वो नहीं आनी चाहिए, एंड अगर आ गई तो लॉकडाउन वापस नहीं लगना चाहिए। अगर वो वापस लॉकडाउन की अगर बातें आ गई तो शायद से हम लोग को ये दिक्कत और भी बड़ी होते हुए देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे हम लोग की हाइलाइट्स की बात करने वाले जो रिपोर्ट्स उन्होंने पेश किए, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जीएस मतलब गोल्डमैन सैच की बात करें, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट लगभग 27% तक रिबाउंड होते हुए देखने को मिल सकते हैं बाय 21, एंड अगर हम लोग बात करें फर्दर 21% की और हम लोगों को जंप देखने को मिल सकते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट में 22 तक। तो ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे माना जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल जो मैक्रो रिकवरी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी मोमेंटम पकड़ते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकती है, ऐसा ये ब्रोकरेज यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बोलते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो गोल्डमैन सैच ने ही कुछ पॉइंट्स ऐसे बोले थे, मतलब कुछ खराब पॉइंट्स उन्होंने बोले थे कि अगर टू व्हीलर्स की अगर हम लोग बात करें, सो आप देख सकते हैं टू व्हीलर्स के चलते जो वॉल्यूम है मतलब कितना यहाँ पे बिकवाली होगी आप ऐसे भी बोल सकते हो। सो पहले उन्होंने कहा था कि 18% तक हो सकती है,
किसकी बात कर रही है, डिक्लाइन डिक्लाइन की बात कर रही है कि 18% तक गिर सकती है ग्रोथ, बट अभी उन्होंने रिवाइज कर दिया है यहाँ पे एंड बोला है 15%। तो अच्छी बात है, पहले -18 बोल रहे थे, अभी -15 बोल रहे हैं। सो ये इसीलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रही है। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कार वॉल्यूम ग्रोथ की, वो भी डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगी, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने रिवाइज के पहले 20% बोली थी, जो कि अभी हम लोग को 12% के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड ये सारी बातें फाइनेंशियल ईयर 21 की यहाँ पे हो रही है। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर आ सकता है, ऐसा उनका मानना है। उसी के साथ साथ उन्होंने, मतलब गोल्डमैन सैच ने कुछ यहाँ पे स्टॉक्स बताए जो कि उनका मानना है, मेरा ये खुद का मानना नहीं है, मैं वापस कहना चाहूँगा। सो अमंग द स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, इट प्रीफर्स, उन्होंने कौन सा बोला है, HDFC बैंक उनको अच्छा लगता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा कर सकता है, लार्सन एंड टुब्रो जो कि बहुत टाइम से सोया हुआ स्टॉक है शायद से जग सकता है, रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सामने, TVS मोटर, यहाँ पे टू व्हीलर की बात सामने आ रही है, बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉप, बजाज ऑटो जैसे तगड़ी कंपनियाँ होने के बावजूद गोल्डमैन सैच्स ने यहाँ पे TVS मोटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट का नाम भी सामने आ रहा है, डीमार्ट एक अच्छी कंपनी, बट रिटेलिंग के बिजनेस में आप सभी लोगों को पता है जिस तरीके से रिलायंस एग्रेसिवली खेल रही है, डीमार्ट का भी नाम सामने आना चाहिए, बट यहाँ पे गोल्डमैन सैच्स बिलीव करते हैं डीमार्ट अच्छा करेगा। फोर्टिस मेरे को इतना खास नहीं लगा है, बट स्टिल फोर्टिस हॉस्पिटल का नाम गोल्डमैन सैच्स ने बोल दिया तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को। एंड अपोलो हॉस्पिटल, सो अपोलो हॉस्पिटल शायद से उन्होंने इसीलिए इंक्लूड किया होगा क्योंकि आप सभी लोगों को पता है MSCI इंडेक्स में अपोलो हॉस्पिटल को भी जगह दे दी है। उसी के साथ साथ उन्होंने बैंकिंग स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो दो कंपनीज का नाम लिया था, एक था HDFC बैंक एंड SBI। सो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे शायद से हम लोग को अपसाइड देखने को मिल सकता है किसमें, दोनों में, SBI में भी एंड HDFC बैंक में। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि 1% अपसाइड किस में देखने को मिल सकता है, HDFC बैंक में, एंड 30% का अपसाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकता है। सर 30% HDFC में क्यों नहीं, ऑलरेडी HDFC बैंक टॉप पे चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखोगे तो 350 के करीब था, आज भी 200 के करीब चल रहा है। सो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा SBI की ओर से देखने को मिल रही है, बट स्टिल पर्सनली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बीच में रख दूँ तो आप सभी लोग पता है मैं SBI में ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ, बहुत ही अगर किया तो कभी छोटा मोटा निवेश करता हूँ, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं रहती है, बहुत ही छोटा मामूली सा परसेंटेज रिटर्न मिलता है, इससे अच्छा मैं वहाँ पे FD करना पसंद ज़्यादा करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही कि लार्सन एंड टुब्रो में 16% का अपसाइड आ सकता है, ऐसा किसका मानना है, ब्रोकरेजेस का मानना है, मतलब गोल्डमैन सैच के भी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी चल चुका है और 12% चल सकता है, TVS मोटर में तो 29% की जंप आ सकती है, एवेन्यू सुपरमार्ट और 15% भाग सकता है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेक माई ट्रिप की भी उन्होंने बातें की है तो 15% तक वो भाग सकता है, ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ें बोली जा चुकी है। सो दोस्तों गोल्डमैन सैच की बात करते करते हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नमूरा के ऊपर, एंड नमूरा ने भी इंडिया के जो टारगेट्स है निफ्टी से रिलेटेड वो जंप करके 13,640 यहाँ पे कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने भी सेम टारगेट रखा है December 21, जो कि गोल्डमैन सैच ने भी बोला था 21 एंड। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हायर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, बट अगेन सेम स्टोरी कि आज हम लोग 12,500 फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं, एग्जैक्टली हम लोग मत पकड़ लेना, एंड अगर यहाँ पे नमूरा कह रहा है 13,600 तो ये एक झटके में नहीं जाएगा, ये जाएगा 12,500 या फिर उससे नीचे 12,000-11,000 फॉर एग्जांपल, उसके बाद जो उसकी एंडिंग रहेगी दिसंबर की वो वहाँ पे हम लोग को चेक करना है, एंड वो यहाँ पे बता रहे कि 13,600। सो डेफिनेटली अगर बाजार बीच में गिर जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल जाएगा, एंड शायद से जो बड़े ब्रोकर्स यहाँ पे बता रहे, यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसी है या फिर हम लोग कह सकते हैं हाउसेज है, सो डेफिनेटली उनके बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे विचार कर सकते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने वापस बता दिए, इट हैड इंक्रीज द वेटेज इन बैंक्स एंड ओवरवेट ऑन अ फाइनेंशियल्स। सो वापस हम लोग को फाइनेंस सेक्टर बीच में दबा हुआ देखने को मिल रहा था, उन्हीं को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। एंड नमूरा की मैं बात करूँ तो उन्होंने प्रेफर किया ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड मैक्स फाइनेंशियल्स। सो ये किसकी मानना है, ये नमूरा का मानना है। सो दोस्तों हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोनों, गोल्डमैन सैच्स से ऊपर भी एंड नमूरा के ओर से भी। सो अगर हम लोग बात करें इन दोनों की तो यहाँ पे उन्होंने जो वेटेज है रिड्यूस कर दिया IT एंड फार्मा के ऊपर, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बट लिखा है उन्होंने, कंटिन्यू टू रिमेन द ओवरवेट। इसका अर्थ उन्होंने ये बोला है कि IT एंड फार्मा खराब नहीं हो गए, बट वो अभी इतने चल चुके हैं, मतलब वो है ही इतने ज़बरदस्त, बट हम लोग स्टिल उसके ऊपर ओवरवेट ही रहने वाले, हम लोगों ने इसको डाउनग्रेड नहीं किया कि खराब हो गए, वो ओवरवेट है, बट ऐसा लगता है कि अभी जो पिटे हुए बाकी सेक्टर के जो स्टॉक्स है शायद से वहाँ पे ज़्यादा पैसा यहाँ पे बन सकता है, ऐसा उन दोनों का मानना है।
सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें मेरी खुद की मन की बातें मैंने नहीं बताई है, ये गोल्डमैन सैच्स एंड नमूरा ने जो यहाँ पे एनालिसिस किए, रिपोर्ट्स यहाँ पे आप लोग चाहो तो गूगल के ऊपर भी आप लोगों को ये रिपोर्ट्स मिल जाएगी, उसी के कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। सो भरोसा करना है या नहीं करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं गोल्डमैन सैच्स की बात करूँ तो उन्होंने इससे पहले कहा था कि हमारे इंडिया मार्केट, मतलब हम लोग अप्रैल की बात करें कि इंडियन मार्केट हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है, एंड आज वो बता रहे कि 14,000 को भी क्रॉस कर सकता है। सो रेटिंग एजेंसियाँ, आप सभी लोगों को पता है कि ऐसी चीज़ें बदलती रहती है, या फिर ब्रोकर्स की अगर हम लोग बात करें, हाउसेस की बात करें, तो आपने देखा भी होगा मैक्वेरीज सीधा बोल दिया था कि रिलायंस 1100 तक आ सकता है। अभी आएगा या नहीं आएगा तो फ्यूचर की बात है, बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि ब्लाइंडली निवेश, मतलब बोलते हैं ना आप लोगों ने करना नहीं चाहिए कि इन्होंने बोल दिया तो हम लोग निवेश करें, ये तो मैं आप लोगों को कब से बता रहा हूँ, राकेश जुनियन वाला हो, कोई बड़ा ब्रोकर हो, आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आपको जो स्टॉक पसंद आता है वो इस लिस्ट में है क्या, तो इसके बारे में आप लोग फर्दर विचार कर सकते हो। जो स्टॉक आपको पसंद नहीं है बट कोई और बोल रहा है, कल ये वापस पलट जाएंगे कोई भी कि चलो इसका टारगेट हम लोग रिड्यूस करते हैं, नीचे गिर जाएगा, सो आपकी बैंड बच जाएगी। सो ये दोनों तरफ से आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर इसको कैलकुलेशन आप लोगों ने इसका करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट ओवरऑल अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव वे में काम यहाँ पे कर सकते हैं, शायद से बाजार अगर गिर जाए सो बाजार को बहुत ही जल्दी लेवल से कमबैक करने के लिए ये न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा उपयोग भी हो सकता है। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।